नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नायक आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले मैं सभी साथियों को, जैसा कि आज है रिपब्लिक डे, तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप सबने मिलकर ये राष्ट्रीय पर्व मनाया होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के। राजस्थान पटवार के अंदर लगभग टॉपिक्स मैथ के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लगातार आपकी क्लास जारी है। और आज जो पार्ट हम करने वाले हैं, इससे भी कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पार्ट को भी हम कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है और मैंचुरेशन दोनों में मिक्स मान लीजिए, तो 10th स्टैंडर्ड का आपसे पूछा जाएगा। सो डोंट वरी, हम सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आपने जो बिलीव दिखाया हमारे ऊपर, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और लगातार हमसे जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में हैं, जिससे कि और बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। और जो नया है स्टूडेंट हमारे चैनल पे आया है, तो वो सब्सक्राइब कर ले भी सबसे पहले, और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या है, हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट, उनमें मैं साथ साथ आपको समझाते चलूंगा, और आई हो आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्यखंड, जिसे सेक्टर भी हम बोलते हैं, थीटा 45 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और तथा क्षेत्रफल निकालना है। अब पहले तो चाप की लंबाई क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है। दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल, ये देखो इस तरह से, ये जो क्षेत्रफल है ओ ए बी, ये जो शेडेड एरिया मैंने बीच में शो किया है, ये होता है एक त्रिज्यखंड का एरिया। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, और चाप की जो लंबाई होती है वो होती है ACB, इस चाप की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर थीटा एंगल आपको दिया होगा, ये इस वृत्त की रेडियस है, ठीक है। अब देखेंगे, हमें चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई निकालनी है, देखो चाप की लंबाई, ठीक है, लंबाई निकालनी, तो ये आपको पास फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि थीटा बट्टे 360 और इंटू में 2 π r, ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर, अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा कितना दिया हुआ है आपको, सिर्फ 45 डिग्री दिया हुआ है, चाप की लंबाई के अंदर हमें निकालना है, तो थीटा 45 डिग्री है, ये 360 है, इंटू में 2, इंटू में आप कहोगे सर 22/7, और आप कहोगे सर यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 10.5, तो मैं 105 लिख के नीचे लिख देता हूँ मैं 10, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया। अब इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है, जब इसको सोल्व करोगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 7 से कैंसिल आउट, अगर 7 × 7 13 × 7 105 होते हैं, नहीं 15 × 7 105 होते हैं, ठीक है, 15 × 7 105 हो गए। और यहाँ से 2 से चला जाएगा, 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15 हो गया, और 3 का इसमें चला जाएगा यहाँ पर 1 × 2 = 12 × 36 120 आ गया, समझ पाए। जब इसको सोल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 8.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये चाप की लंबाई हो गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये तो कैलकुलेशन थी। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली चाप की लंबाई निकाल सकते हो। फिर हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्षेत्रफल के लिए भी एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्षेत्रफल के लिए कुछ भी नहीं करना, थीटा बट्टे 360 आपको याद ही रखना है, चाहे चाप की लंबाई निकालनी हो, चाहे चाप का उस सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना हो। अभी हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, इंटू में यहाँ पे 2 π r क्यों किया, हमें चाप की लंबाई निकालनी थी, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आप कहोगे सर π r² होता है। कुछ भी नहीं करना, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ये 360 डिग्री हो, सॉरी 360 हो जाएगा, इंटू में 22/7, और आप कहोगे आर की वैल्यू इन रेडियस दे रखी है कितनी 10.5, तो 105/10 इंटू में 105/10, इसको सोल्व कर लेना, और जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा इस त्रिज्यखंड का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया, और बड़ा ईजी सा मैंने क्वेश्चन लिया स्टार्टिंग में, आगे आगे लेवल में बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। PDF आपको इसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। तो बड़े कुछ आगे, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व 3.5 सेंटीमीटर वाले सेकेंडरी वृत्तों के त्रिज्यखंड में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। डायग्राम आपके सामने है, जो ये शेडेड एरिया, इसको आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर दो त्रिज्यखंड दिए गए, एक त्रिज्यखंड की तो त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है और एक के 3.5 दे रखी है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप इसे कर लोगे। हमें शेडेड एरिया का निकालना है, इसका मतलब है इस बड़े वाले त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ओ डी सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे त्रिज्यखंड कौन हो गया, सबसे पहले तो त्रिज्यखंड कौन सा लोगे, त्रिज्यखंड आप OAB, समझ पाए इस बात को, या तो इसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल सबसे पहले और उसके बाद में किसका निकालना है, त्रिज्यखंड OCD का निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, यहां पे भी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं करना, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखनी है। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, तो R1 आप 3.5 पहले रख लीजिएगा या 7 पहले, दोनों में से कोई सा भी रख के, और जिसका बड़ा क्षेत्रफल आ रहा है उसको छोटे उसमें से छोटा घटा देना तो किसका आ जाएगा, आपको इस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताओ, मुझे करवाने की आवश्यकता है क्या, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे आप कर लेना, इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर घूमते हुए 8.8 सेंटीमीटर लंबाई की चाप बनाता है तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करो। अब सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये डायग्राम तो मैंने बनाया है, आपको डायग्राम क्वेश्चन में नहीं मिलेगा समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक पेंडुलम यहाँ से बंधा और ये इस तरह से ये घूम रहा है, तो इस तरफ जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, तो इसका मतलब चाप की लंबाई तो फिर यही होगी, इस तरह से ए बी सी ये आपको दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर, और हमें इसकी लंबाई बतानी, मतलब ये बतानी है इसका मतलब यहाँ तक दूरी या ये दूरी या ये दूरी, इसका मतलब ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस बतानी है, चाप की लंबाई दे रखी है। ये किस तरह का डायग्राम बन रहा है आपको, सर त्रिज्यखंड का, तो सीधी सी बात है त्रिज्यखंड का बन रहा है तो चाप की लंबाई दे रखी है, ठीक है, चाप की लंबाई दे रखी है एक त्रिज्यखंड के अंदर, तो आप सीधी सी बात है कितनी दे रखी है, 8.8 सेंटीमीटर दे रखी है। बट होती क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने समझाया था, थीटा बट्टे 360 इंटू में 2πr, यही होती है बराबर में 8.8, सारी वैल्यूज आपको रखनी है तो यहाँ r निकालनी है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 8.8 इसके अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, तो ये इंटू में तो 360 ऊपर चला जाएगा, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा और 2πr 2 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, थीटा भी नीचे आ जाएगा, आई थिंक थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर इंटू में 1/10 और आ जाएगा जब इसको इस पॉइंट को हटा देंगे, तो यहाँ से 22 चौके कितने होते हैं 88 होते हैं, 2 दुए कितने हो गए सर 4 हो गए हैं, और 12 तीय कितने हो गए 36 हो गए हैं, 12 तीय 36, तो यहाँ पर जो सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7 × 2 = 14 = 8, 16.8 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, यानी इस पेंडुलम की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। किसी बच्चे को पहले तो इस फॉर्मूला ही नहीं पता है तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा उसे पता ही नहीं क्या निकालना है, त्रिज्यखंड है क्या चीज़ है। इससे पहले आपको अगर इन पे क्वेश्चंस आपने अगर किए होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, और इसकी PDF आपको ज़रूर मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर आपको त्रिज्यखंड अच्छे से समझ में आया गया तो अब हम करेंगे वृत्तखंड की बात, वृत्तखंड को समझेंगे। क्वेश्चन ही आपके सामने है, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर और जो जीवा है उसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, जीवा से बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो डायग्राम क्वेश्चन में देगा नहीं आपको, डायग्राम तो मैंने बनाया है समझाने के लिए, डायग्राम आपको खुद को बनाना होगा, वृत्त बनाना होगा एक, तो देखो लघु वृत्तखंड बनाना, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इस तरह से, ये एक जीवा इसको मिलाएंगे, जो ये नीचे वाला शेडेड एरिया होता ना ये होता है लघु वृत्तखंड, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ लघु वृत्तखंड,
और जो बाकी बच गया ऊपर वाला पार्ट ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। समझ पाए इस बात को, ये दीर्घ वृत्तखंड जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है ये छोटे वाला, ये लघु वृत्तखंड। लेकिन ये ओ ए सी बी ये पूरा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया, लघु वृत्तखंड ये हो गया। समझ में आया त्रिज्यखंड में और लघु वृत्तखंड में क्या फर्क होता है? त्रिज्यखंड तो है ओ ए सी बी पूरा कंप्लीट, और लघु वृत्तखंड इतना सा एरिया जो शेडेड एरिया, इसे लघु वृत्तखंड, और दीर्घ वृत्तखंड जो बाकी ऊपर बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम कर सकते हैं। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले से आप इजी से कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का, जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या निकालना, क्षेत्रफल ना। तो इसका जो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, तो आप याद रखना ही रखना है आपको पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बार बार हम रख रहे हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, इन माइनस में आपको क्या करना है, एक बट्टा दो आर स्क्वेयर साइन थीटा, बस ये चीज़ आपको ऐड करनी है। ये इसका क्या होता है, ये इसका सिर्फ फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब थीटा कितना है, थीटा को क्वेश्चन में नहीं दिया, बट आप दिमाग लगाओगे कि ओ ए बी इसमें त्रिज्य, ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, जीवा भी पाँच है, क्वेश्चन में दे रखा, तो इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा प्रत्येक कोण 60 डिग्री को होता है, इसलिए क्वेश्चन ने नहीं दिया था, ये आपके माइंड को चेक कर रहा था कि आपको पता है या नहीं पता। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होंगे, थीटा नहीं दिया, दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल है इसमें 60 डिग्री का बनेगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री रखनी है, सॉरी कितनी रखनी है, 60 रखनी है, इंटू में 22 बट्टे 7 इंटू में आर, अब ये आर 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू में 5 अपॉन में 360 इंटू में 22 बट्टे 7 नीचे आ गया, माइनस में 1 बट्टा 2, आर कितना 5 इंटू में 5, और साइन थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको सर रूट 3 बट्टा 2 होती है, तो यहाँ रखनी है और इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आप वो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। एज ए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर ये चीज़ अगर आपको याद है। दूसरा तरीका इसमें बताता हूँ, दूसरा तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप देख पा रहे हो ओ ए सी बी एक त्रिज्यखंड है, एक सेक्टर है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा दे रखा है, आर आपको दे रखी है, कुछ भी नहीं है, यही फॉर्मूला होता है ना, इतना फॉर्मूला त्रिज्यखंड का होता है। इसमें से इस ट्राइंगल, इस त्रिज्यखंड में से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो लघु वृत्तखंड का बचेगा या नहीं बचेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं याद ना रहे तो आप ऐसे कर लेना, इस पूरे सेक्टर में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको याद रह जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, उसका निकाल के उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इस शेडेड एरिया का बच जाएगा, ये शेडेड एरिया लघु वृत्तखंड है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे, वरना फिर वही बात, कुछ तो याद करना पड़ेगा, बिना कुछ याद के तो नहीं होने वाला। तो नहीं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो मेरा तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए बड़े कुछ आगे, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे एक 70 मीटर इंटू में 52 मीटर माप के आयताकार मैदान के कोने में, किसी भी कोने में एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है और घास चरने के लिए बांधा गया है, वह कितने क्षेत्रफल में घास चरेगा, यानी जितने क्षेत्र में वो घास खा सकता है, चर सकता है, उसका एरिया बताना है। मान लेते हैं घोड़े को हमने यहाँ बांध दिया, यहाँ से लेकर घोड़े की जो रस्सी की लंबाई मैंने 28 मीटर रख दी है, और ये अब पता है कि अब घोड़ा क्या करेगा, या तो इधर आ सकता है, वो इस साइड आ सकता है घास खाने के लिए, इतना एरिया कवर कर सकता है, या इतना एरिया कवर कर सकता है, इतने मैदान के अंदर ही। इसका मतलब अब आप कह सकते हो इसलिए कौन सा एरिया निकल रहा है, ये सर त्रिज्यखंड बन रहा है, एक तरीके से क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड की फॉर्म में बन रहा है ना। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आप कहोगे सर इसकी, अब ये त्रिज्यखंड है तो इसका मतलब 28 सेंटीमीटर क्या हो गई है, रेडियस हो गई, 28 मीटर रेडियस हो गई है। थीटा आप कह सकते हो सर 90 डिग्री हो, क्योंकि एक आयत और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हमारे पास थीटा भी आ गया है 90 डिग्री, और हमारे पास रेडियस भी, जो रस्सी की लंबाई है वो रेडियस का काम करेगी 28 मीटर। इसका मतलब एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का या घास चरने का क्षेत्रफल, या घास चरने का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, थीटा बट्टे 360 आप सारे बच्चे जानते हैं इंटू में पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री और अपॉन में 360 इंटू में 22 बट्टे 7 और आर 28 इंटू में 28।
जब इसको सोल्व करें, 7 चौके 28, 0 से 0 9 चौके 36, 4 से 4 कैंसिल आउट, 22 को 28 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आ जाएगा। मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वेयर आपका क्षेत्रफल आएगा। इतनी एरिया में घोड़ा क्या कर सकता है, घास चर सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये डायग्राम तो मैंने बना के दिया है आपको, ठीक है, मैंने बनाया है, लेकिन आपको सिर्फ पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको डायग्राम बनाना होगा, समझना होगा ये क्या है। एक तरीके से सेक्टर है, त्रिज्यखंड है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल पा सकते हो, ठीक है। चलिए बड़े कुछ आगे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए लिया क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को आप पढ़ना है और आपको निकालना है इसका आंसर। मैंने चीज़ें समझा दी, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करना है। बता देता हूँ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप इसका सोल्व करके कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दें। तो कैसी लगी आज की क्लास, आई होप कि काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी एफर्ट हमने लगाया, अच्छे क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे, किसी भी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन रह ना जाए पटवार के अंदर, ये हमारा टारगेट है। इतने क्वेश्चंस पटवार में सारे के सारे हमें सही करने हैं। देखो राजस्थान पटवार के लिए रीजनिंग की क्लास आपकी अन अकेडमी पे चल रही है, जिसका लिंक नीचे दिया जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस किए जा रहे हैं, अच्छे बेसिक्स एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, तो अन अकेडमी में जाके जुड़े और मुझे फॉलो करें वहाँ पर, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो एन टी पी सी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ की 20 क्लासेज हो चुकी है, एक 100 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। आप देखें एक बार, ज्वाइन करें एक बार, क्वेश्चंस का लेवल देखें, तरीका देखें करवाने का, वाकई में काफ़ी एफर्ट हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन करें। एसएससी के जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से मैंने कोर्स बना दिया है रीजनिंग का, तो वो भी जाके ज्वाइन करें। इन फ्यूचर में आपके राजस्थान में जो भर्ती रीट 31,000 की घोषणा हो चुकी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, और मेरा दावा है मैं आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लेके आऊँगा जिससे आप जो सपना है आपका एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने का, वो मैं पूरा कर पाऊँ। तो बस मेरे साथ आप साथ जुड़े रहे, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उन्हें फॉलो करना है, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए। बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोज़ को शेयर करना है। आप एक शेयर मारते हो, एक सब्सक्राइबर आता है, तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं अंदर से, ठीक है। जब कुछ आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्स देना है, आपको व्यूज़ लेके आने हैं, आपको शेयर करना है वीडियोज़ को, लगातार कमेंट करते रहना है, हमारे साथ डिस्कस करते रहना है, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहे और इंटरेक्ट हमारा एक दूसरे का बना रहे। तो चीज़ें मैंने बताई, आई होप आपने समझी होंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भैया, जिसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सेंड होती रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे क्लास में और बेहतर उन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।